नमस्कार, रूबीज पंजाबी किचन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सब्जी, फ्रांस बीन और आलू की सब्जी, जो कि बनती है बहुत ही टेस्टी तरीके से और बहुत अच्छी लगती है। तो आइए उसमें डालने वाला इंग्रेडिएंट सामान देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैंने लिए हैं यह 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और पानी में डाल दिया है धो के, ताकि ये काले ना पड़े। उसके बाद मैंने लिए है 250 ग्राम फ्रांस बीन, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो के सुखा के साफ़ कर लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच सरसों के बीज, आधी छोटी चम्मच धनिया पिसा हुआ और आधी ही छोटी चम्मच जीरा और एक चुटकी हींग। यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, इसको मैं आज सरसों के तेल में बनाऊंगी, और जो कि मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें सारा सामान इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा तड़क लेंगे इसको, बस कुछ ही सेकंड में ये तड़क गया है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, एक छोटी हरी मिर्च को मैंने काट लिया है, इसको भी हम तड़क लेंगे। अब इसमें हमारा जाएगा, मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज ले लिए थे, उसको मैंने बारीक काट लिया और इसमें चला जाएगा ये। इसको हम 2 मिनट भून लेंगे, ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। हमारा प्याज अच्छे से भून ले, थोड़ा सा ब्राउन हो ले, फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं, 4-5 तुरियां लहसुन की और एक अदरक का टुकड़ा जो कि मैंने बारीक पीस लिया है, इसको भी इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे। ये हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं, वो भी इसी में जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। हमारे टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें डालेंगे आधा अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हल्दी, थोड़ा सा इसे पका लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब ये जो पहले हम इसमें से डालेंगे आलू, जो कि मैंने पानी में भिगो के रखे थे काट के, ताकि वो काले ना पड़ जाए। इन आलूओं को हम पहले थोड़ा सा पका लेंगे, इसमें पानी नहीं डालना, और क्योंकि आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बीन्स जल्दी गल जाएंगे, तो हम इन्हें पहले इनको बिल्कुल हल्की आँच पर इनको थोड़ा सा पका लेंगे। 2-3 मिनट का समय लगेगा, हम थोड़ा सा ढक देंगे और 2-3 मिनट के लिए हम बिल्कुल धीमी आंच पर इनको पकाएंगे। हम अपने आलू चेक कर लेते हैं गल गए कि नहीं। मैं थोड़ा सा इसको दबा कर देखूंगी ऐसे फोक की या छुरी की सहायता से। हमारे आलू आधे से थोड़े से ज़्यादा गल चुके हैं। अब हम इसमें अपनी फ्रांस बीन डाल देंगे, इन्हें मिला देंगे और फिर सब्जी के पूरी तरह गलने तक हम इन्हें ढककर पकाएंगे बिल्कुल मीडियम आंच पर। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे। ये तैयार है हमारी आलू और बीन्स की गर्मा गर्म सब्जी। आप इसे रोटी पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक बहुत जल्दी ही पहुंच सके।